नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ दीपक भाई परमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सौ कोईनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा राज्यनी नोंधायेल माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शालाओं में धोरण 9 થી 12 में तारीख 29/7/2020 और तारीख 30/7/2020 ना रोज योजनारी एकम कसोटीना प्रश्नपत्रों पीडीएफ स्वरूपे बोर्डनी वेबसाइट www.gseb.org पर मूकवामां आवेल छे। आ प्रश्नपत्रों विद्यार्थीओ सुधी पहोंचे त्यारबाद विद्यार्थीओए जाते ज स्वयं ज एनो प्रश्नपत्रोना जवाबो जे छे पोतानी नोटबुकमां लखवाना हशे। तो विद्यार्थीए जाते ज स्वयं पोतानी रीते नोटबुकमां लखेला जवाबो साथे ए साचा जवाबो छे के खोटा ते सरखावी शके एटला माटे अहीं ए प्रश्नपत्रनु हूँ एक सोल्यूशन अहीं मूकू छूं। तो जोईए धोरण 11 सामान्य प्रवाह इंग्लिश एनु पेपर सोल्यूशन। There are total 25 questions in this unit test. मतलब कि आज यूनिट टेस्ट है तेनी अंदर टोटल 25 प्रश्नों आपवामां आवेल छे। Students have to write the answers of this unit test in their नोटबुक। मतलब कि विद्यार्थीओए आ यूनिट टेस्टना जे प्रश्नोना जवाब जे छे ए पोतानी नोटबुकमां लखवाना छे। जोईए सौप्रथम सेक्शन ए जेनी अंदर लखवामां आवेलुं छे राइट वेधर ध सेंटेन्स आर ट्रू और फॉल्स। तो के वाक्यो साचा छे के खोटा ते लखो। राइट वेधर ध सेंटेन्स आर ट्रू और फॉल्स। तो जोईए नंबर वन, नन कैन डिफीट यू अंटिल यू कॉन्क्रीड। तो कि तमे हार न स्वीकारो त्यां सुधी तमने कोई ज हरावी शकतुं नथी। तो विद्यार्थी मित्रों आ जे वाक्य छे ते वाक्य साचुं छे जे अरुणिमा सिंहा द्वारा बोलायेलुं आ वाक्य छे, जेमां कई ज खोटुं कई छे नहीं। तमे ज्यां सुधी हार स्वीकारशो नहीं त्यां सुधी तमने कोई ज हरावी शकतुं नथी। मतलब कि तमे शरणागति स्वीकारशो नहीं त्यां सुधी तमने कोई ज हरावी शकतुं नथी। जोईए नंबर टू, द मधर इंस्टिंक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग हर यंग वंस इज वेरी वीक। तो विद्यार्थी मित्रों आज वाक्य है तो यूनिट नंबर 1 ना रीड नंबर 2 नु वाक्य है। तो माता जे छे लेपर्ड मधर लेपर्ड एनी अहीं बात करवामां आवेल छे। तो एनी जे पोताना नाना नाना जे बच्चाओ छे एनु रक्षण करवानी जे साहजिकता जे छे एकदम नबळी कही शकाय। द मधर इंस्टिंक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग हर यंग वन्स इज वेरी वीक। आवो कंईक अर्थ आ वाक्यनो थाय छे। पण विद्यार्थी मित्रों अहीं वाक्य आ खोटुं कही शकाय कारण के एना नाना बच्चाओं रक्षण करवानी जेनी साहजिकता जे कही शकाय ते वेरी स्ट्रॉंग छे, वीक कही शकाय नहीं। एटले विद्यार्थी मित्रों अहीं आंसर नंबर 2 जे छे एमां फॉल्स आवशे, ट्रू आवशे नहीं। जोईए त्यारबाद नंबर 3 जेमां लखेलुं छे अरुणिमा वॉज एडमिटेड टू एम्स दिल्ली। तो अरुणिमा ने दिल्ली खाते आवेली एम्स हॉस्पिटल में दाखिल करवामां आवी हती। तो एकदम साची बात है, प्रधानमंत्री पीएम ने दरमियानगिरी द्वारा तेने दिल्ली एम्स हॉस्पिटल नी अंदर एने एडमिट करवामां आवेली हती। तो आंसर नंबर 3 माटे कही शकाय कि ए वाक्य साचुं छे माटे ट्रू। त्यारबाद जोईए आगळ सूचना वांचीए फाइंड आउट एंड राइट द नियरेस्ट मीनिंग्स। तो कि सौथी नजीकनो अर्थ धरावतो शब्द होय ते शोधी काढो ने ते लखवानो छे। तो अहीं नंबर 4 ની અંદર चॉप शब्द આપવામાં આવેલ છે, मतलब કે કપાઈ જવું। તો पुट એટલે મૂકવું થાય, શટ એટલે બંધ કરવું થાય। તો અહીં જવાબ આવશે કટ। એટલે સૌથી નજીકનો અર્થ ધરાવતો શબ્દ હોય તો તે કટ કહી શકાય। ત્યારબાદ જોઈએ નંબર 5 સ્વિફ્ટ આપવામાં આવેલો છે। સ્વિફ્ટ એટલે ઝડપથી, તો એનો નજીકનો અર્થ ધરાવતો શબ્દ રેપિડ, શોર્ટ અને ફરી એ ત્રણમાંથી રેપિડ એટલે ઝડપથી એવો અર્થ થાય છે। તો એ જવાબ રેપિડ કહી શકાય। ત્યારબાદ નંબર 6 આપવામાં આવેલું છે, તેમાં છે સ્પિરિટ એટલે કે હિંમત, જુસ્સો। तो एना माटे टग सरेंडर अने करेज एवा त्रण शब्दों आपवामां आवेला छे। तो एना माटे करेज एटले हिम्मत एवो अर्थ थाय तो नजीकनो अर्थ धरावतो शब्द एना माटे करेज कही शकाय। जोईए त्यारबाद सूचना आपवामां आवेली छे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट लैंग्वेज फंक्शन फ्रॉम द ब्रेकेट्स एंड राइट धेम अगेन्स्ट सेंटेन्स। तो अहीं तमारे जे योग्य लैंग्वेज फंक्शन आपेलू जे होय ए तमारे पसंद करवानुं छे। आपेल वाक्य माटे ए वाक्यनी अंदर क्यू फंक्शन वपरायेलू छे ए फंक्शन तमारे पसंद करी आपेल चार विकल्पोमांथी पसंद करी ए वाक्यनी सामे तमारे लखवानुं थशे। विद्यार्थी मित्रों अहीं एक बात खास ध्यानमां लेवी जरूरी छे के अहीं तमारे मात्र ने मात्र लैंग्वेज फंक्शन ज लखवानुं नथी। तमे ज्यारे जवाब लखो छो त्यारे ते वाक्य पूरेपूरुं लखवानुं छे अने वाक्यनी सामे ए फंक्शन लखवानुं थशे। जो तमे मात्र ने मात्र फंक्शन लखेलुं हशे तो धोरण 12 नी अंदर बोर्डनी परीक्षामां एना मार्क्स मळवा पात्र छे नहीं। तो जोईए नंबर 7 शी शुड गो बैक इनटू द कैम्प। तो अहीं शब्द आपवामां आवेलो छे शुड ए महत्वनो शब्द साबित थाय छे। शी शुड गो बैक इनटू द कैम्प तो के तेणीए शिबिर में परत जवू जोईए। तो शुड शब्द आपवामां आवेलो होय ought to शब्द पण आपवामां आवेलो होय तो एक प्रकारनी सूचन करवामां आवेलुं छे। हैड बेटर शब्द आपवामां आवेलो होय तो आवा शब्दो होय तो ते एक्सप्रेसिंग सजेशन फंक्शन नुं सूचन करे छे एवुं आपणे कही शकीए छे। तो आपेल जे चार विकल्पो छे रिक्वेस्टिंग एक्सप्रेसिंग सजेशन हैबिट्युअल पास्ट एक्सप्रेसिंग कंडीशन चार माथी नंबर 7 नी अंदर जे जवाब आवशे ते एक्सप्रेसिंग सजेशन एवो जवाब आवशे। जोईए नंबर 8 इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। जो तमे सखत मेहनत करशो तो तमने सफलता प्राप्त थशे। तो अहीं इफ अनलेस शब्द ज्यारे आपवामां आवेलो होय त्यारे ते कंडीशनना संदर्भमां एनो उपयोग थयेलो होय छे। तो मतलब के इफ अथवा अनलेस आपेलुं होय तो ए वाक्य एक्सप्रेसिंग कंडीशन फंक्शन सूचवे छे। तो अहीं जवाब आवशे एक्सप्रेसिंग कंडीशन। त्यारबाद जोईए नंबर 9 प्लीज हेल्प मी मेहरबानी करीने मने मदद करो। तो अहीं विनंती करवानी वात छे विनंतीना संदर्भमां वात होय तो रिक्वेस्टिंग फंक्शन एमां आवशे। जोईए त्यारबाद नंबर 10 माय फाधर यूज्ड टू विजिट द टेम्पल। माय फाधर यूज्ड टू विजिट द टेम्पल तो के मारा पिताश्रीए मंदिरनी मुलाकात लेवा माटे टेवायला अवारनवार मुलाकात लेता। तो ज्यारे यूज्ड टू नो उपयोग ज्यारे थतो होय तो त्यारे ए टेववश थती क्रियाओ भूतकाळने टेववश थती क्रियाओ सूचववा माटेनो उपयोग थतो होय छे। माटे ज्यारे ज्यारे यूज्ड टू वाळुं वाक्य आवे त्यारे हैबिट्युअल एक्शन इन द पास्ट अथवा तो हैबिट्युअल पास्ट एवं फंक्शन तमे कही सको छो। तो अहीं नंबर 10 नी अंदर जवाब तरीके लखवानुं थशे हैबिट्युअल पास्ट। त्यारबाद जोईए विद्यार्थी मित्रों आगळ सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन्स टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रेजीस एज योर आंसर्स। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं जे લીટી करेलो जे भाग जे छे ए भाग आपने जवाब तरीके मळे। લીટી करेलो भाग जे छे ते आपने जवाब तरीके मळे एवं प्रश्नार्थ वाक्य आपणे शोधी काढवानुं छे अने लखवानुं छे। तो जोईए नंबर 11 द वॉल्स मेड अनधर अटेम्प्ट टू स्नेच माय चेन। तो के ए वरुओ एटले के जे पेला ठग्स जे हता तेनी वात करवामां आवी छे। तो ए वरुए मारो आ चेन आंचकी लेवा माटे बीजो एक प्रयत्न कर्यो। कोणे प्रयत्न कर्यो तो पेला गुंडाओ जे हता वरुओ जे हता ते अरुणिमा सिंहा साथे जे पेला ट्रेन नी अंदर जे वौस जे वरुओ जे हता तेनी वात करवामां आवशे। कोण आवो प्रश्न थाय तो एनो जवाब हमेशा WHO એટલે કે वो થી જ લખવાનો થતો હોય। તો what નંબર એની ઓપ્શન એની અંદર આપ્યું છે what made another attempt તો અહીં શું એવો જવાબ આપણને what એટલે કે શું થી જવાબ થાય why શા માટે who એટલે કોણ અને when એટલે ક્યારે જે સમયનું સૂચન કરે છે। तो अहीं नंबर ऑप्शन सी जी आपवामां आवेल छे who made another attempt to snatch your chain तो કે તમારો ચેન आंचकी लेवा माटे बीजो प्रयत्न कोणे कर्यो। तो कोणे प्रयत्न कर्यो तो एनो जवाब अंडरलाइन करेलो जे भाग छे द वॉल्स ए आपने प्राप्त थाय छे, माटे ए जवाब ऑप्शन सी जवाब जे छे ए जवाब कही शकाय। त्यारबाद जो नंबर 12 फ्रॉम माय स्कूल आवुं वाक्य आपवामां आवेल छे तो कि विलेज जीतोड़िया एटले के जीतोड़िया गाम ए मारी शाळाएथी 6 किलोमीटर दूर आवेलुं छे। क्या आवेलुं छे आवो प्रश्न थशे। जीतोड़िया गाम क्या आवेलुं छे तो कि मारी शाळाएथी 6 किलोमीटर दूर आवेलुं छे। જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો એના ઓપ્શન A ની અંદર આપવા મળશે વેર ઇઝ વિલેજ જીતોડિયા, જીતોડિયા ગામ ક્યાં આવેલું છે। ઓપ્શન બી વોટ ઇઝ વિલેજ જીતોડિયા, જીતોડિયા ગામ એ શું છે। હાઉ ફાર ઇઝ વિલેજ જીતોડિયા ફ્રોમ યોર સ્કૂલ, તમારી શાળાએથી જીતોડિયા ગામ કેટલું દૂર આવેલું છે। હાઉ ફાર ઇઝ યોર સ્કૂલ, તમારી શાળા કેટલી દૂર આવેલી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં જે ઓપ્શન સી આપવામાં આવેલો છે તે લાલ રંગના અક્ષરોથી એને ઘૂંટી નાખવામાં આવેલ છે, પણ અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો એ જવાબ જે સી આપેલો છે તે ખોટો છે, પરંતુ એનો ખરેખર સાચો જવાબ જે છે તે ઓપ્શન એ આવશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન સી આવશે નહીં। કેમ નહીં આવે तो कि तमे प्रश्नने समझवानो प्रयत्न करो। विलेज जीतोड़िया इज जस्ट 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय स्कूल। तो हवे जे अंडरलाइन जे छे ए मात्र ने मात्र आटली ज वात के जस्ट 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय स्कूल में अंडरलाइन होत नहीं, तो जवाब आ था कि हाउ फार इज विलेज जीतोड़िया फ्रॉम योर स्कूल, बराबर आवो जवाब था। पण हवे अंडरलाइन जे छे ते केटली आपेली छे तो के जस्ट 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय स्कूल, एटले कि आटली अंडरलाइन पूरेपूरी आपवामां आवेली छे। मारी शाळाएथी 6 किलोमीटर दूर आवेलू छे मतलब के जीतोड़िया गाम क्यां आवेलू छे तो कि मारी शाळाएथी 6 किलोमीटर दूर आवेलू छे। एटले एनो जवाब साचो जवाब जे छे ए ऑप्शन ए थशे। वेर इज विलेज जीतोड़िया, जीतोड़िया गाम क्यां आवेलू छे तो कि जीतोड़िया गाम मारी शाळाएथी 6 किलोमीटर दूर आवेलू छे, माटे ऑप्शन ए ए साचो जवाब थशे। त्यारबाद जोईए नंबर 13 the mother leopard leaped down to the cubs to protect them. मधर लेपर्ड ए पोताना बच्चाओं रक्षण करवा माटे ए नीचे कूदी पड़ी। शा माटे नीचे कूदी पड़ी छे तो के टू प्रोटेक्ट धैम एटले के तेओनुं रक्षण करवा माटे। शा माटे एटले के जवाब वाय। शा माटे तो के वाय। क्यारे तो वेन, क्या तो वेर, बराबर आ प्रमाणेना जवाबो एना थता होय छे। ऑप्शन ए आपवामां आवेलो छे वेन डीड द मधर लेपर्ड लीप डाउन टू द कब्स तो के माता लेपर्ड जे छे, चीता जे छे ए पोताना बच्चाओ तरफ क्यारे कूदी पड़ी, तो एनो कोई जवाब मळतो नथी। समय होवो जोईए जे आपवामां आवेलो नथी। वेन डू द मधर लेपर्ड लीप डाउन टू द कब्स, तो उपरનું જે વાક્ય સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સનું હતું, જ્યારે આ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સથી પૂછેલો છે, એનો પણ કોઈ જવાબ મળતો નથી। ત્યારબાદ ઓપ્શન સી અને ઓપ્શન ડી એની અંદર આપવામાં આવશે વાય, શા માટે। તો અહીં જવાબ આપણને પ્રાપ્ત થશે વાય ડુ ધ મધર લેપર્ડ લીપ ડાઉન ટુ ધ કબ્સ, અને ઓપ્શન ડી છે વાય ડીડ ધ મધર લેપર્ડ લીપ ડાઉન ટુ ધ કબ્સ। બંને પ્રશ્નો સરખી રીતે જ પૂછાયેલા છે, પરંતુ અહીં ડુ આપવામાં આવેલું છે અને અહીં ડીડ આપવામાં આવેલ છે। તો આ મધર લેપર્ડ જે છે એ બચ્ચાઓ તરફ શા માટે કૂદી પડી, શા માટે તો કે टू प्रोटेक्ट धैम, तेओनु रक्षण करवा माटे। हवे अहीं तमे जोई शको छो के लिफ्ट एटले के सिम्पल पास्ट टेन्सनुं वाक्य छे, तो एनुं प्रश्नार्थ वाक्य बनावो तो डीड वाळो प्रश्नार्थ वाक्य जे होय ए जवाब आवशे। तो माटे अहीं ऑप्शन सी आवशे नहीं, परंतु ऑप्शन डी ए साचो जवाब कही शकाय, बराबर। तो जोईए आगळ नंबर सेक्शन बी जेनी सूचना आपवामां आवेली छे रीड ध एक्सट्रेक्ट एंड आंसर ध क्वेश्चन्स, एटले के परिच्छेद वाँचो अने जवाबो आपो। तो अहीं आपणे परिच्छेद वाँचता नथी, तमे वाँची ज लीधेलो हशे। जोईए आपणे क्वेश्चन नंबर 14 जेमां लखेलुं छे राइट ध फूल फॉर्म ऑफ एम्स, तो के एम्सनुं फूल फॉर्म लखो। तो अहीं विद्यार्थी मित्रों तमे मात्र फूल फॉर्म लखी नाखो तो पण चाले, अथवा तो आवुं लखो ध फूल फॉर्म ऑफ एम्स इज क्या आपेलू है पेरेग्राफ नी अंदर तो अहीं तमे जोई शको छो विद्यार्थी मित्रों बीजी लाइन नी अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस तो त्यां तमने फूल फॉर्म आपवामां आवेलुं छे द फूल फॉर्म ऑफ एम्स इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विद्यार्थी मित्रों आटलू तमे लखशो एटले तमने पूरेपूरो रोकड़ो मार्क्स मळवा पात्र छे। त्यारबाद जोईए विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 15 विच अचीवमेंट डीड अरुणिमा अचीव तो कि अरुणिमाए कई सिद्धि हासिल करी तो अहीं तमने पेरेग्राफनी अंदर तमने अंत भाग में आपवामां आवेलुं छे योर लेटर शी वॉज रिट्रेन्ड एज अ माउंटेनर एंड become the first female with an artificial leg to scale Mount Everest तो कि माउंट एवरेस्ट सर करनार एक ज कृत्रिम पग साथे माउंट एवरेस्ट सर करनार ते सौ प्रथम महिला बनी थी तो आज ये सिद्धि जे छे अरुणिमा सिंहाए हासिल करेल छे तो एनो जवाब कईक आ रीते लखाशे जेम के अरुणिमा became the first female with an artificial leg to scale Mount Everest This achievement was achieved by her. तो कि आ सिद्धि तेणी द्वारा सिद्ध करवामां आवेली हती। जोईए त्यारबाद आगळ नंबर 16 When did अरुणिमा reach on the top of the world? तो कि विश्वना टोच उपर अरुणिमा क्यारे पहोंची तो उपर जे परिच्छेद आपवामां आवेलो छे तेनी अंदर जवाब आपवामां आव्यो छे छेल्ला वाक्यनी अंदर at 10:55 am on 21st May 2013 I was on the top of the world तो क्या हूँ विश्व ने सौथी ऊंची जगह विश्व ने जे सौथी ऊंचू शिखर कही शकाय तेना उपर हूँ हती तो जवाब जे प्रश्न आपने पूछ्यो होय ए रीते लखी शकाय मात्र ने मात्र आई रीतना बैठे बैठो टेक्स्ट नो आपणे जवाब एट 10:55 am on 21st May 2013 I was on the top of the world आई रीतना लखी शकाय नहीं तो when did अरुणिमा reach on the top of the world तो अहीं जवाबनी शुरुआत सब्जेक्ट थी थशे तो कि अरुणिमा त्यारबाद रीच अने डीड छे तो डीड निकली जाए रीच नु थई जाए रीच्ड अरुणिमा रीच्ड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एट 10:55 ऑन 21st May 2013 21મી મે 2013 ना 10:55 वागे अरुणिमा विश्वना टॉप ऊपर पोते पहुंची हाउ इज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड तो क्या विश्वनु जे शिखर સૌથી ઊંચું જે છે ટોપ જે છે એ કેવું છે તો ધ ટોપ ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्मॉल 20 by 20 आइस टेबल तो એનો જવાબ જે છે એ તમને પહેલી જ લીટીની અંદર આપવામાં આવશે ધ ટોપ इज अ स्मॉल 20 by 20 आइस टेबल। ત્યારબાદ જોઈએ આગળ નંબર 18 વોટ वॉज अरुणिमा बिफोर एक्सिडेंट अकस्मात पहला अरुणिमा शुं हती तो एनो जवाब पण तमने प्रथम ज वाक्यनी अंदर आपवामां आवेलो छे जेम के अरुणिमा सिंहा वॉज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर वॉट वॉज अरुणिमा बिफोर एक्सिडेंट तो कि अरुणिमा सिंहा वॉज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर हवे अहीं वाक्यमां बिफोर एक्सिडेंट आपवामां आवेलुं नथी जे प्रश्ननी अंदर आपेलुं छे तो आपणे ए शब्दने उमेरी देवा पड़शे तो के बिफोर एक्सिडेंट अकस्मात पहला। त्यारबाद जोईए नंबर 19 वॉट हेपन्ड वेन शी वॉज ट्रावेलिंग ऑन ए ट्रेन तो कि ज्यारे तेणी ट्रेन द्वारा मुसाफरी करी रही हती त्यारे शुं थयुं तो वेन शी वॉज ट्रावेलिंग ऑन ए ट्रेन तो कि ज्यारे तेणी ट्रेन में मुसाफरी करी रही थी जो बीजा वाक्य ने अंदर तमने जवाब आपवामां आवेलो छे आनो बैठे बैठो जवाब कही शकाय आमां कोई ज फेरफार करवानो छे नहीं वेन शी वॉज ट्रावेलिंग ऑन अ ट्रेन सम ठग्स ट्राइड टू स्नेच हर गोल्डन चेन शी फॉट बैक बट वॉज थ्रोन आउट ऑफ द स्पीडिंग ट्रेन एंड लॉस्ट हर लेफ्ट लेग तो कि एने केटलाक ठग जे हता एने एनो चेन ने लूटी लेवानो जे सोनानो जे चेन हतो एने आंचकी लेवानो प्रयत्न करेलो जो कि एने अरुणिमा सिंहाए एनी सामे फाइट करवानो वळतो प्रहार पण एने करेलो फाइट करवानो प्रयत्न पण एने करेलो परंतु ए जे स्पीडमां जती गाड़ी जे हती एमांथी एने बहार फेंकी देवामां आवेली अने तेणी पोतानो जे डाबो पग जे छे ए पोते गुमावी दीधो। तो आवी घटना कई कि ट्रेननी अंदर बनेली हती। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं जे टेक्स्टनी अंदर आपवामां आवेलुं हतुं बेठे बेठो जवाब आमां लखवानो थाय छे, कोई ज प्रकारनो फेरफार करवानो थतो नथी। त्यारबाद जोईए नंबर 20, वॉट कूड अली भाई हियर। तो ऊपर तमे परिच्छेद में जोई शको छो, आई कूड नॉट सी धैम, आई कूड नॉट सी धैम फॉर अ वाइल बट आई कूड हियर द ग्रोल्स एंड स्नार्ल्स। तो जे पेलू रीछ अने साथे साथे जे पेला मादा चीता जे छे बंने वच्चेनी जे लड़ाई चालू हती, तो ए बंनेनी लड़ाईना जे पड़घाओ पड़ता तो ए अवाज जे छे ए अवाज तेमने संभळाय छे। तो जे पोते अली भाई जे छे ए निहाळता पण अचानक ज ए क्यांय के ऊंडी खीणों में पोते गबड़ी पड़े छे। तो हवे तेमने जोई शकता नथी पण मात्र ने मात्र एमनो अवाज सांभळी सके छे। तो वॉट कूड अली भाई हियर, तो एनो जवाब कंईक आवो लखी शकाय, अली भाई कूड हियर द ग्रोल्स एंड स्नार्ल्स ऑफ द मधर अ लेपर्ड एंड द बियर। आ प्रमाणेनो जवाब थशे। त्यारबाद जोईए नंबर 21, वॉट डीड द मधर लेपर्ड डू आफ्टर कमिंग नियर द कब्स। तो एनो जवाब कंईक आवो थशे, आफ्टर कमिंग नियर द कब्स द मधर लेपर्ड स्मेल्ड एंड लिक्ड धैम ओवर एंड ओवर। तो के जे मादा जे चीता छे पोताना बच्चाओ पासे आवी त्यारबाद एने शुं कर्युं, तो त्यारबाद एना बच्चाओने सूंघवा लागी अने एने चाटवा लगी ए सुनिश्चित करवा माटे, खातरी करवा माटे के ने रीछ द्वारा कोईने ईजा तो पहोंचाडवामां आवेली नथी ने। तो विद्यार्थी मित्रों आ प्रश्ननो जवाब जे छे ते तमने अंत भागमां जे आपवामां आवेलो छे त्यारथी तमने एनो जवाब तमने मळी जशे। अंत भाग फकरानी अंदर अंत भागमां जे लाइन्स लखवामां आवेली छे त्यारथी तमने जवाब मळी शके। मात्र ने मात्र तमारे आ एक वाक्य उमेरवानुं थाय, जेम के आफ्टर कमिंग नियर द कब्स। त्यारबाद सी शब्द जे आपवामां सर्वनाम जे छे ते द मधर लेपर्ड माटेनुं छे अने त्यारबाद बेठे बेठो जवाब तमे लखी शको छो। आवो जवाब 21 नी अंदर थशे। त्यारबाद जोईए आगळ 22, वू वॉज अली भाई, अली भाई सॉरी वॉट वॉज अली भाई, अली भाई शुं हता। तो एनो जवाब कंईक आवो थशे, अली भाई वॉज अ ट्रावेलर, अली भाई वॉज अ ट्रावेलर who covered long distances on foot in the Himalayan mountains. तो विद्यार्थी मित्रों what was अली भाई एनो जवाब तमने पहली ज लाइन ની અંદર આપવામાં આવશે, અલી ભાઈ was a traveler who covered long distance on foot in the Himalayan mountains. तो અલી ભાઈ એક મુસાફર હતા જે હિમાલયની પર્વતમાળાઓની અંદર લાંબુ અંતર ઘણું બધા અંતર સુધી એ પોતે પગેથી ચાલીને જતા, એટલે કે પગેથી ચાલીને પસાર કરતા। વિચ થિંગ્સ ડીડ અલી ભાઈ સેલ ડ્યુરિંગ ટ્રાવેલિંગ, મુસાફરી દરમિયાન અલી ભાઈ કઈ વસ્તુનું વેચાણ કરતા। તો એનો જવાબ પણ તમને પરિચ્છેદની અંદર આપવામાં આવેલો છે, જેમ કે સેલિંગ ડ્રાયડ એપ્રિકોટ્સ હર્બ્સ એન્ડ મેડિસિન્સ એન્ડ પ્રેશિયસ સ્ટોન્સ। तो आज वस्तु है ये मुसाफरी दरमियान एनु वेचाण करता। तो जोईए केवी रीतना लखाशे जवाब, तो कि अली भाई शॉल्ड ड्राइड एप्रिकोट्स हर्ब्स मेडिसिन्स एंड प्रेशियस स्टोन्स ड्यूरिंग ट्रावेलिंग। आ प्रमाणेनो जवाब लखवानो थशे। त्यारबाद जोईए आगळ सूचना आपवामां आवेली छे, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो के जे कौंसनी अंदर जे शब्दों आपवामां आवेला छे एमांथी योग्य शब्दनो उपयोग करी खाली जग्या पूरो। आ रीतनी एक सूचना छे। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। हवे शब्दों जे छे ए हेल्पफुल गाइड एंड एक्सपीडिशन एवा शब्दों आपवामां आवेला छे। जोईए तो के इन माय फाइनल खाली जग्या टू सागरमाथा, ये सागरमाथा जे छे एक स्थानिक नाम छे, हेड ऑफ द सी एने अंग्रेजी शब्द एवी रीतना आपवामां आवशे। नीमा कांचा वॉज माय माउंटेन खाली जग्या ही वॉज अ नाइस मैन। આવી રીતના ખાલી જગ્યાઓ આપવામાં આવેલી છે। હવે એને જે ત્રણ વિકલ્પો જે આપવામાં આવેલા છે એ ત્રણ વિકલ્પોમાંથી આપણે બંને ખાલી જગ્યાના જવાબ લખવાના થશે। તો જોઈએ નંબર 24, ઇન માય ફાઇનલ ખાલી જગ્યા ટુ સાગરમાથા। તો જે માઉન્ટ એવરેસ્ટનું એક સ્થાનિક નામ સાગરમાથા આપેલું છે, તો કે એનું ચઢાણ કરવાની વાત છે, એ ચડવાની વાત છે, સર કરવાની વાત છે। तो एना जे जे माउंट एवरेस्ट जे सर करवानुं होय तो स्टेप बाय स्टेप ए पोते सर करशे। तो हवे जे अंतिम जे चढ़ाण जे कही शकाय तो के इन माय फाइनल खाली जग्या, तो अंतिम चढ़ाण कई तरफनु तो के टू सागर माथा के माउंट एवरेस्ट तरफनु सागर माथा तरफनु। तो ये अंतिम चढ़ाव होय तो एना माटेनो शब्द कयो कही शकाय, तो एना माटे शब्द छे एक्सपीडिशन। तो अहीं नंबर 24 नी अंदर आवशे जवाब एक्सपीडिशन। इन माय फाइनल एक्सपीडिशन टू सागर माथा, तो के सागर माथा तरफना मारा अंतिम चढ़ाण में नीमा कांचा वॉज माय माउंटेन खाली जग्या। तो के नीमा कांचा ए मारा पर्वतीय मददरूप ने पण सलाहकार हता। तो जवाब शुं आवशे एमां गाइड। ही वॉज नाइस मैन, तो एक सरस माणस हता। एनो कोई ए वाक्यनो कोई अर्थ नहीं रहतो नहीं, बराबर। तो आ रीतना 25 मार्कनो जे धोरण 11 सामान्य प्रवाह अंग्रेजीनु प्रश्नपत्र जे हतुं एने आपणे पूरेपूरू अहीं विडियोना माध्यम द्वारा तमारा सुधी सोल्यूशन पहोंचाडवानो प्रयत्न करेलो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आजनो मारो आ विडियो जो तमने पसंद आव्यो होय तो लाइक करजो अने वधुमां वधु विद्यार्थीओ सुधी तेने शेर करजो अने हाँ, सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं अने बाजुमां रहेला बेल आइकनने पण प्रेस करजो, जेथी करीने आवनारा विडियोना नोटिफिकेशन्स तमने सौथी प्रथम मळता रहे।